बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर से हम एसपीएससी के पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे जो कि मैंने फेसबुक से जो है उठाए थे, उसका पार्ट सेकंड है उस वीडियो का। इस वीडियो में भी हम वो क्वेश्चन देखेंगे जो कि एसपीएससी अपने पास्ट पेपर्स में पूछ चुकी है 2021, 22, 20, 19, 18 जितने भी मुझे जो है पास्ट पेपर्स मिले हैं ना, हेड मास्टर, ASI, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर जो भी एसपीएससी टेस्ट लेती है, ठीक है, तो उसी पास्ट पेपर को आगे रख कर वही क्वेश्चन हम जो है सॉल्व करेंगे, जिससे हमें हेल्प होगी, क्योंकि अभी SST की टेस्ट भी SPSC ले रही है और CMO TMO की भी, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वर्ड इज़ रॉन्गली स्पेल्ड इन द फॉलोइंग। नीचे ऑप्शन दिए हों, इनमें से कौन सी जो है स्पेलिंग वो गलत लिखी हुई है। ब्यूरोक्रेसी को देख लें तो वो ठीक है, लेफ्टिनेंट की स्पेल देख लें, ये हर टेस्ट में रिपीट होती है तकरीबन, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये भी सही लिखी हुई है। और लिटरेचर है, लिटरेचर की स्पेल भी सही लिखी हुई है, लेकिन ऑप्शन सी जो हमारा है गवर्नमेंट, उसकी स्पेल गलत लिखी हुई है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, तबीयत मेरी अभी तक ठीक नहीं हुई, मैं लेट कर जो है वीडियो बना रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ वीडियोज़ आपको पसंद आती होंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द 7th मंथ ऑफ इस्लामिक ईयर। इस्लामी जो साल होता है उसमें 7वां मंथ का नाम क्या है, ठीक है। सीक्वेंस से मैं आपको बता देता हूँ, फिर ऑप्शन बताता हूँ, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, ठीक है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, रजब इज़ द 7th मंथ ऑफ इस्लामिक ईयर। रजब के बाद शोबान, रमज़ान, शवाल, जुलकद, जुलहज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एनॉर्मस मींस, अब यहाँ पर पूछ रहा है एनॉर्मस का मतलब क्या होता है, ठीक है, इट मींस उसका सिनोनिम पूछ रहा है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, एनॉर्मस का सिनोनिम और मीनिंग क्या होगी, ह्यूज, ठीक है, ह्यूज मींस बड़ा, एनॉर्मस, ह्यूज, जाइगेंटिक, कॉलोसल, ठीक है, जो चीज़ जो है बहुत बड़ी हो, जैसे आप जो है कोई भी वर्ड पढ़ें ना, उसका सिनोनिम और एंटोनिम पढ़ें और उसको सेंटेंस में लाजमी आप जो है इस्तेमाल करें, इससे आपका एक्सप्रेशन भी अच्छा होगा और आपका जो है वो जो है राइटअप्स भी आपके अच्छे होंगे, ठीक है। जैसे ग्लेशियर्स ऑफ पाकिस्तान आर एनॉर्मस रिजर्वर्स ऑफ फ्रेश वाटर फॉर पाकिस्तान, ऐसे जो है आप सेंटेंस भी बना लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, SHO स्टैंड्स फॉर, देखें ये क्वेश्चन मैंने कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड की थी जिसमें एब्रीविएशंस का फुल फॉर्म आपको बताया था, उसमें मैंने FIR वाले पोर्शन में ये भी आपको बताया था कि SHO का फुल फॉर्म क्या है। ये देखें SPSC के जो है पेपर में आया है ये सवाल, ठीक है। चीज़ों को अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे ना तो चीज़ें रिपीट ही होती हैं, न्यू चीज़ें कोई नहीं होती हैं, एक चीज़ से दूसरी चीज़ निकलती है उसे हम न्यू नहीं कहते हैं, ठीक है ना। चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो टेस्ट क्या हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। SHO का फुल फॉर्म क्या है, उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्टेशन हाउस ऑफिसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हुम डिड लॉर्ड माउंटबेटन रिप्लेस इन 1947 एज वाइसराय ऑफ इंडिया। लॉर्ड माउंटबेटन जब वाइसराय इंडिया बने थे तो उनसे पहले वाइसराय ऑफ इंडिया कौन था। इस क्वेश्चन का सिंपली मकसद ये है, जब वो आए थे तो उन्होंने किसको रिप्लेस किया था, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, लॉर्ड वेविल जो थे उनको रिप्लेस करके लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया था फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ पावर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर ड्यूरेंट लाइन वाज ड्रॉन इन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो ड्यूरेंट लाइन है उसको जो है कब ड्रा किया गया था, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1893 में जो है ड्यूरेंट लाइन को ड्रा किया गया था। अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो है नेबरिंग कंट्री है, लैंड लॉक कंट्री है, इसका कैपिटल है काबुल और इसका सिक्का है अफगानी। पाकिस्तान जब UN को ज्वाइन कर रहा था तो ये वाहिद कंट्री था पूरी दुनिया में जिसने पाकिस्तान की ज्वाइनिंग पर की थी। UN जो कि बननी थी 24 अक्टूबर 1945, वही UN जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, ठीक है, और जो है पाकिस्तान ने उसे ज्वाइन किया था 30 सितंबर 1947, ठीक, अपनी आज़ादी से एक माह बाद, ठीक है। पीछे आपको जो है गोलियों की आवाज़ आ रही होगी, ये मेरे भाई और मेरे कज़न फ्री फायर के जो है वो शौकीन है बड़े, तो उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अ न्यू रिलीजन दीन इलाही वाज इंट्रोड्यूस टू रिकनसाइल हिंदूज एंड मुस्लिम्स बाय विच मुगल एम्परर। कौन से मुग़ल एम्परर ने जो है वो हिंदूज और मुस्लिम्स का जो रिलीजन है उन सब की रिलीजन की अच्छी बातें जो है मिलाकर एक नया दीन बनाया था जिसको उसने दीन इलाही का नाम दिया था, उस मुग़ल एम्परर का नाम क्या है, ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अकबर द ग्रेट वाज द मैन हु मेड दीन इलाही, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, द ईदी फाउंडेशन हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट। नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से ईदी फाउंडेशन कौन सी चीज़ को है दुनिया के सबसे लार्जेस्ट जो है हिस्से पर, दुनिया के सबसे लार्जेस्ट एंगल पर जो है वो सर्व करती है। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, एम्बुलेंस सर्विस। ठीक है, वो ईदी जो है फाउंडेशन वो वॉलेंटियरली एम्बुलेंस सर्विस जो है वो रन करती है, जिसको दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एम्बुलेंस सर्विस बोला जाता है, वॉलेंटियरली राय खुदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चिनाब मीट्स रिवर जेहलम एट, चिनाब जो रिवर है दरियाए चिनाब वो जेहलम को जो है किस जगह पर आके उससे मिलता है। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ट्रिमू पर जो है ये दोनों दरिया आपस में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शर्मीन उबैद चिनो वॉन एन ऑस्कर अवार्ड फॉर द सेकेंड टाइम फॉर अ डॉक्यूमेंट्री मूवी टाइटल। ये शर्मीन उबैद है, एक औरत का नाम है, उसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उसको दूसरी मर्तबा जो है वो ऑस्कर का अवार्ड मिला है। ठीक है, तो उसके जो मूवी है उसकी, उसका टाइटल क्या है, उसने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है, ठीक है, जिसको सेकेंड टाइम ऑस्कर का अवार्ड मिला है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सेविंग फेस वॉज द टाइटल ऑफ शर्मीन्स मूवी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द बुक जिना ऑफ पाकिस्तान इज़ रिटन बाय, बुक का नाम है जिना ऑफ पाकिस्तान, वो उसका राइटर कौन है। ठीक है, उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, स्टैनली वॉलपर्ट जो है जिना ऑफ पाकिस्तान का राइटर है। ठीक है, अब ऑप्शन ए जो मैंने देखा है सरोजनी नायडू, मुझे जहन में क्लिक हो रहा है कि आई गेस ये जो है ये महात्मा गांधी का जो है किलर है, लेकिन मुझे जो है कन्फर्म नहीं है, मेरी इंटरनेट पर भी नहीं चल रही, आप गूगल से कन्फर्म करके मुझे बता दीजिएगा, लेकिन मुझे जो है 110% जो है लग रहा है कि सरोजनी नायडू वॉज अ किलर, वो किल्ड महात्मा गांधी। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये पार्ट भी आपको पसंद आया होगा और आपके काम भी आया होगा, और यकीनन आपको ऐसे ऐसे जो है एरियाज़ पता चल गए होंगे जिससे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको चाहिए कि इन एरियाज़ को तैयार करें तो आपकी टेस्ट आसानी से जो है क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको इसका थर्ड पार्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, शायद थोड़ा टाइम लगे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर मैं कोशिश पूरी करूँगा कि जल्दी से जल्दी अपलोड करूँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।